बिहार में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी है। सभी दलों के नेता लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी महागठबंधन की जीत के लिए आगे बढ़कर मोर्चा संभाला हुआ है। इस बीच शुक्रवार यानी 4 मई को तेजस्वी अररिया में थे। इस दौरान उनका एक वीडियो सामने आया है जिसने आरजेडी समर्थकों को परेशान कर दिया। दरअसल वीडियो में तेजस्वी मंच से सहारे के साथ उतरते दिख रहे हैं। तेजस्वी के चेहरे के भावों से लग रहा था कि वो असहनीय दर्द में हैं। ये सीन देखते ही जो सामने थे वो चिंतित हुए। साथ ही सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो गया है जिसके बाद उनके समर्थक परेशान हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अररिया लोकसभा के सिमरा थाने क्षेत्र में भाषण समाप्त होने के बाद तेजस्वी यादव बगल में बने शौचालय में पेशाब करने गए थे। इस क्रम में उनके पैर में मोच आ गई। जब उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्द का अनुभव हुआ तो एकदम से लड़खड़ा गए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने जब अपने नेता को लड़खड़ाते देखा तो कुछ देर के लिए सभी हक्के बक्के हो गए। इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें थाम लिया और फिर अपने सहयोगियों के सहारे हेलीकॉप्टर तक लेकर गए। वीडियो वायरल हुआ, समर्थक परेशान हुए तो अब तेजस्वी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने समर्थकों को बताया कि उनकी तबीयत क्यों बिगड़ी। साथ ही उन्होंने हिम्मत ना हारने की बात कहते हुए समर्थकों का हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनके कमर में दर्द था। कल सभा के दौरान वो तकलीफ बढ़ गई थी जिससे वो थोड़ा परेशान हो गए थे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने ये भी कहा कि मेरे ये दर्द बिहार के उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जो नौकरी रोजगार की आस में बैठे हैं। तेजस्वी ने अपने लंबे पोस्ट में ये भी लिखा कि छात्रों को पीड़ा है क्योंकि उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही। बिहार में मेरे बुजुर्गों की पीड़ा है कि उन्हें अच्छी दवाई नहीं मिल पा रही। थाना और ब्लॉक के भ्रष्टाचार से आमजन परेशान है। हर वर्ग को पीड़ा है क्योंकि उनके अधिकार, उनका न्याय उन्हें नहीं मिल पा रहा। मैं इन सब तकलीफों में अपने आप को साझेदार मानता हूँ। बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार बिहार में चुनावी सभा कर रहे हैं और एनडीए पर जमकर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी मंच साझा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी मिथिलांचल में कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहां अगले 4 दिनों तक तेजस्वी यादव दरभंगा में रहकर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार अभियान करेंगे। दरभंगा और उजियारपुर सीट पर 13 मई को मतदान होना है।